पुष्पा बाबू। कहाँ के रहने वाला है? लायरो दोनों। अच्छा, जिनकी हत्या है ये, वो क्या लगते हैं आपके? मेरे भतीजे के बड़े लड़के हैं, मेरे बड़े भतीजे के बड़े लड़के हैं। कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए विस्तार में। शाम को सब बुला के ले गए हैं। अच्छा, कौन? मतलब उनके दोस्ती विजय नाम का लड़का। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये रसूलपुर के, रघौली रसूलपुर। अच्छा, बताइए। तो वही लड़का बुला के ले गया। कितने बजे? 6 बजे करीब। अच्छा, उसके बाद जब हम आधे घंटे बाद हम बोलने लगे कि बेटा आओ खाना खा लो, तो कहा कि हम विजय के साथ हैं। उसके बाद सब ले करके इधर चले आए। क्या हुआ, हम उसके बाद कॉल कर लें, फ़ोन किए तो कहा बुआ हम आ रहे हैं, मत घबराइए। इसके बाद जब हम कॉल करने लगे तो 10-15 बार कॉल करने पे बेटा मेरी मोबाइल बच्चे की नहीं उठी। तब जो है मेरी ही मोबाइल से हमको सब लोकेशन दिए कि ये घायल हैं, यहाँ हैं, जल्दी आइए, इनकी सांस चल रही है। हम फिर अपने परिवार वालों को सूचना दिए। फिर घोसी से हम लोग रहते हैं, घोसी से हम भाग के आए, बेटा आए, और यहाँ से हम लोग जाएँ तब तक मेरा बच्चा दुनिया छोड़ चुका था, हमको छोड़ चुका था मेरा। मौके प्रशासन पहुँची थी? वहाँ नहीं पहुँची थी, यहाँ प्रशासन आई थी, प्रशासन को यहाँ आने पे सूचना दी गई थी। अच्छा अच्छा। सभी पूरे सीओ साहब, कोपा और अधर सभी लोग आ गए थे। अच्छा, जो विजय उनके मित्र थे, विजय से कुछ झगड़ा भी था? नहीं, विजय से झगड़ा तो नहीं, विजय इनके पेटेंट थे, लेकिन विजय किस माने से ले गया, उन सबों से मिल के ले गया, कैसे ले गया भगवान जाने बेटा, लेकिन विजय ही मेरे बेटे को ले गया है बाबू, विजय ले गया। क्या शंका लग रहा है, हत्या की शंका लग रही है आपको? ये सब जान से मारे हैं मेरे बेटे को। अच्छा, कौन मारा? हाँ, ये पुलिस पकड़ी है, वो लोग प्रदीप, कौन कौन से लोग मोहम्मदपुर के हैं, लोग यही मारे हैं। और जो है विजय लिवा गया है, और एक पंकज नाम का, मनीष नाम का लड़का है, ये सब साथ लेके मेरे बच्चे को गए थे। रे दादा मेरे। तो अभी क्या चाहती है प्रशासन से? हाँ, जो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जैसे मेरा बेटा गया वैसे उन सबों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम यही चाहते हैं कि जब मेरा बेटा नहीं तो हम उन लोगों को लेकर क्या करेंगे। क्या नाम था उनका, क्या नाम था? ईमानसूर बिट्टू। क्या उम्र रही होगी उनकी? 22 वर्ष बाबू। क्या करते थे? अभी BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे। पिताजी का नाम क्या था उनके? स्वर्गीय भगत सिंह। हम यही गेटवा खोल दिया, गरीब बाबू रोटियाँ सेक के बैठ के खोजेंगे, तो हम यहाँ में तब समय खाएंगे ना, हम तो दवाई खा के रहोगे, अभी तो रोटी खा के दवाइया हम खा लेंगे। 10-15 को कॉल करें, फोनवा ना उठोगे तब भी हम चाहे बाबू हम 8 बजे से कॉल करे लगे, तो जब कलवा करत रही ना तो ना उठावत रहूँगा सर, ना मोबाइलिया उठबे तो चाची से कहीं देखबू जहाँ तक कहीं गड़बड़ है कहानी, तो एक बेर कैला फोनवा उठा लेला। तो फिर हमारे बच्चा की मोबाइलिया से हमके लोकेशन दी मसा कि यहाँ मार हो गई है, आई ऐसी सी बात। ये 8:30 बजे करीब ऊपर से उनकी मोबाइल, हाँ उन्हीं की मोबाइलवा से, उन्हीं की मोबाइलवा से हमके फ़ोन करूँगा सर, हमारे मिस कॉलवा देखूँ सर, तो वैसे अब हमके करूँगा सर, तो करूँगा सर, तो एक बेर कट गए, 2 बेर कट गए, 3री बेर कट, तो कहूँ से कि ऐसी सी बात है। हम कभी बिट्टू हैं तो कहते बिट्टू तो घायल हैं बहुत बुरी तरह से, और हल्का हल्का सांस चल रहा है, आप लोग जल्दी आइए। हम कहिए हो कहाँ तक कसारा में, अब सबके लोग भी फ़ोन करे तब फोन नहीं आऊँगा सबके कह के, तो फिर एगो लड़का के बोला कभी बाबू सच बताइए कि कसारा में है कहाँ, तो कहूँ से कि यहाँ है, तब वो करीब बाद बच्चा सब भागलपुर लौमी जाता है, इटौरा का रिश्तेदार रहे लोग मनो लेके उले एम्बुलेंस, हाँ तो लेके अब लोग उनका लड़का रहूँगा राजू, तो लेके लोग गौवे लोग सदर में एम्बुलेंस है, पीछा से हम कहें तो ले हमारे बच्चा कुल कमुआ खत्म हो गए, तो ले गए हाँ कुल कमुआ खत्म हो गए। हमके ले चला थाना पर, अब हम ले थे अभी यहां बैठा ले जाते हैं, जान चाचा के देख लेंगे बोलो मतलब बतिया के हम गड़िया भेज दी हम आपको, हम गड़िया ऐसा ना ना कि थाना पर हमें बयानवा दें तो ले।